गुड इवनिंग। आज हमारा मेनली जो टॉपिक होगा लेक्चर कंप्लीटली ऑन माइक्रोस्कोप, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पूरा लेक्चर इसी पे है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे कि इन पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, आ सकते हैं। पहला सवाल, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और उसकी फोकल लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। कॉपी पेन आप तैयार रखें, आज का आपको ज्यादा करना है माइक्रोस्कोप की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी भी। क्या है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। पहला सवाल यह कहता है कि फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर, भी इसे ही बोल देते हम, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई। ये है भाई हमारा सवाल, पहला सवाल। एक आसान सवाल अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है तो। क्या आंसर रहेगा, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या सिंपल माइक्रोस्कोप हमने ढंग से अटेंड किया है कि नहीं, बता दो, एक मिनट बताओ, फिर तभी तो होगा ये सवाल। तो लगातार जवाब देते रहो, आज बार बार मुझे ना बोलना पड़े, आप बोलो। अब ये बताओ तो एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो। 1 plus d by f t। बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन होगा 1 plus d by f t, विद प्रूफ आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो 1 plus d नॉर्मल आई का होता है 25 सेंटीमीटर और एफ ई इसका दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये शायद आ जाएगा 3.08, ये निकल के आएगा 3.08, ठीक है। अच्छा, अगर इसी सवाल में लिया होता कि फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो क्या आंसर होता? ओनली 25 बाई 12, यानी कि 2.08 ये आंसर होता। अगर मेरा सवाल होता कि फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द आई मसल्स आर लीस्ट स्ट्रेन्ड, फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द आई मसल्स, हाँ लीस्ट स्ट्रेन्ड मतलब इंफिनिटी पे है dyfe, और अगर मोस्ट स्ट्रेन्ड आए तो 1 plus dyfe। मैंने उस दिन एक सवाल आपसे पूछा था कॉर्निया के बारे में, कॉर्निया कहाँ से थोड़ा सा नरम होता है, कहाँ से थोड़ा सा कठोर होता है, इस तरह की बातें। तो मैं फिर मैंने कहा था कि मैं आई पे एक अगला लेक्चर डाल रहा हूँ, क्या आपने वो अटेंड किया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई? यस सर। है ना, उसमें मिल गई होंगी सारी की सारी बातें कि रिफ्रैक्शन कॉर्निया ज्यादा करवाता है कि लेंस ज्यादा करवाता है, है ना, मिल गया आपको उन सब चीजों का जवाब, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो पिछला लेक्चर था मींस ह्यूमन आई पे कुछ ऐसी चीजें जिनमें, लाइव लेक्चर जो था ह्यूमन आई पे कुछ ऐसी चीजें जिनमें मायोपिक आई के नियर पॉइंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, या हाइपरमेट्रोपिक आई के फार पॉइंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, या यंग एडल्ट टाइप पे क्या फर्क पड़ रहा है, उनके बारे में एक छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर, जस्ट क्वेश्चंस का लेक्चर अपलोड किया गया था, वो देखा आपने? यस सर। तो उन सबके जवाब है ना आपके पास अब, तो उन सभी सवालों के जवाब? यस सर। ठीक है, ये चीजें अपने याद रखा करो, लिखा करो अपने नोट्स में जो भी चीजें। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यूं दिया गया है कि एक 10 डायोप्टर लेंस है, 10 डायोप्टर लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफायर। यह हमें बोला गया है कि भाई जो 10 डायोप्टर का एक लेंस है और उसको एक मैग्नीफायर के तौर पे यूज किया गया है,
मैग्नीफायर मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। सवाल यह है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मैं जस्ट इससे रिवीजन भी होगा कि पीछे क्या पढ़ा आपने, अपना खुद आप रिवीजन कर रहे होंगे। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर ए नॉर्मल आई। एक बार पढ़ो, सोचो क्या है ये सवाल। क्या कुछ फॉर्मूला या कोई केस या कोई डायग्राम ऐसा दिमाग में आ रहा है पीछे के लेक्चर से? बताओ क्या फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, क्या चीज? ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैग्निफायर। इसके पीछे ये आंख है इस तरह से। आपको ये दिया गया, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इस पावर से देख के बताओ, सेंटीमीटर में इसकी फोकल लेंथ, सेंटीमीटर में नहीं, 10 सेंटीमीटर, 0.01 तो मीटर होगी, वो 1/10, 0.01 मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो फोकल लेंथ आएगी 10 सेंटीमीटर। अब बोला है कि ऑब्जेक्ट कहां रखें ताकि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन हो। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कब होता है? जब इमेज नियर पॉइंट पे बने या इमेज इंफिनिटी पे बने? नियर पॉइंट पे, यानी कि इस लेंस ने जो इमेज बनवाई हो वो यहां बनवाई हो, इस लेंस ने जो इमेज बनवाई हो वो यहां पे बनवाई हो, तो उसके लिए आपको पता होगा ऑब्जेक्ट थोड़ा और भी आगे रखना होता है, बनता ही नहीं इस तरह का डायग्राम। ऑब्जेक्ट थोड़ा और भी आगे रखना होता है, ये डिस्टेंस कितनी होती है ताकि ये डिस्टेंस डी निकल के आए? यार कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आया कि डी इंटू एफ अपॉन डी प्लस एफ? यस सर। एक और बताओ, बिकॉज मुझे बार बार यही चेक करना पड़ रहा है कि कितना ध्यान से आपने लेक्चर अटेंड की, कोई ऐसा फॉर्मूला आया था डी इंटू एफ अपॉन डी प्लस एफ? yes, है ना, कि भाई अगर आप, ये फॉर्मूला क्या है? ये तो सिंपली एक डिस्टेंस एक्स नॉट मान लो, यू नॉट मान लो, सपोज ये डिस्टेंस यू नॉट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो अगर मैं इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो यू तो है माइनस यू नॉट, v है माइनस d, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, f आपका f है, आपने लेंस इक्वेशन लगाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस d को उधर भेज दो तो 1/u0 इज इक्वल टू 1/f उधर था प्लस 1/d, एलसीएम आया d इंटू f और ऊपर बना d प्लस f। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो u नॉट आएगा d इंटू f अपॉन d प्लस f। अब चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो और चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, आपको यह बात याद रखनी है कि अगर एक लेंस से डी डिस्टेंस इधर इमेज बनवानी है, 25 सेंटीमीटर इधर इमेज बनवानी है, तो ऑब्जेक्ट को वर्चुअल इमेज बनवानी, तो ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे रखना होगा, फोकस से भी आगे रखना होगा, कितनी पास रखना होगा लेंस से? डी इंटू एफ अपॉन डी प्लस एफ। तो क्या ये सवाल यही है कि नहीं है, बताओ? yes, sir. क्या आंसर आएगा तो फिर इसका? क्या आंसर आएगा इसमें, वैल्यू रख के बता दीजिए बस आप।
इसका आंसर आएगा 7.1 सेंटीमीटर। देख लो आप कैसे ये डायरेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा, डी 25, एफ 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर अपॉन 35, 5 से गए 7 और 5, 50/7, 7×7=49, तो नियरली 7 सेंटीमीटर आ रहा है, 7 से थोड़ा ज्यादा। बताओ ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ना परमानेंट, क्या था क्या नहीं, बहुत काम का एक्सप्रेशन है ये, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, सब में काम आता है। अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक कोई मैग्नीफायर है, उसकी फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एक मैग्नीफायर आपको दिया है जिसकी फोकल लेंथ है, मैग्नीफायर मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, बस सिंपल माइक्रोस्कोप, ये एक मैग्नीफायर दिया आपने, और इसकी फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। कॉपी पेन तो तैयार है ना आपके, ऐसा तो नहीं है बस पहले हाथ जोड़कर बस अटेंड कर रहे हैं और बाद में लिखेंगे हम, ये करने तो आपको है ना सवाल। एक ऑब्जेक्ट रखा है, छोटा ऑब्जेक्ट, तभी तो मैग्नीफायर की जरूरत पड़ी, एक छोटा ऑब्जेक्ट रखा है और वो इस मैग्नीफायर से 3.6 सेंटीमीटर दूर रखा है, ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन आ गया समझ में, दिख गया जो देना था वो बता दिया इन्होंने, ठीक है। अब फाइन, तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पोजीशन ऑफ इमेज, कि भाई इमेज कहां बनेगी, तो मुझे लगता है आप लेंस इक्वेशन लगा के शायद आप पता ही लें। दूसरी बात, लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड तीसरी बात एंगुलर मैग्निफिकेशन। मींस ये सवाल लेने का पर्पज है कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझ आ जाए आपको, कि भाई ये क्या था और ये क्या था, और ये हमेशा इक्वल नहीं होते। पहले फर्स्ट पार्ट कीजिए लेंस इक्वेशन से कि उसकी पोजीशन क्या है। हाँ सही है, देखो फर्स्ट पार्ट आपने लेंस इक्वेशन लगाई और उससे v आ रहा है -36 सेंटीमीटर, देख लीजिए फिर भी कैसे, 1/v -1/u, u इज -3.6 इज इक्वल टू 1/f एंड f इज +4, ये प्लस हो गया उधर जाके माइनस होगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/4 -10/36, ये जीरो ऊपर गया 10/36, 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आपका 36 ही आ गया, 9 - 10 -1/36, सो v इज कमिंग आउट टू बी -36 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज हमें पता लग गई कि भाई इमेज 36 सेंटीमीटर दूर बनी है। ये इमेज कैसी है, रियल है वर्चुअल है, इधर बनी है तो कैसी है इमेज, वर्चुअल, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है कि इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट, तो ये एक बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में पूछा है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिक, हाँ क्या फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू, इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू क्या फॉर्मूला होता है, v/u या -v/u, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मिरर होता तो -v/u, हाँ अगर लेंस है तो v/u, तो आपने v/u किया तो v आपका है -36 और u आपका है -3.6, माइनस माइनस कट गया यानी कि प्लस का 10, मतलब 10 टाइम्स बड़ी इमेज बनेगी, अगर ये हाइट h है तो ये हाइट होगी 10h, ये है। चलो ये तो हो गया, अब अगर पूछा जाए जैसा कि पूछा गया है इसमें तीसरे पार्ट में मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो
तो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर चुका कि ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होते हैं, एक ही केस में ये दोनों बराबर होते हैं। क्या वो लेक्चर अटेंड कर लिया ना आपने? ठीक है, तो इसमें बताओ और किसी भी केस में अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालूं मीन सिंगुलर मैग्निफिकेशन, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? जैसे इसका होता है वी बाई यू, जैसे इसका होता है वी बाई यू, ऐसे इसका आप याद रखो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग v की जगह तो ले लो d, डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और u की जगह u ही है लेकिन उसका मोड ले लो, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है उसका मोड। अगर आपको किसी भी सवाल में एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखना हो, एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, तो दैट विल बी फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप दैट विल बी d मींस 25 सेंटीमीटर अपॉन u, u नहीं वो मोड लेना है, वो केवल मोड लेना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, मीन्स हम उसे बोल देते हैं d अपॉन यू ओ। ये बीटा अपॉन अल्फा से बनता है भाई, याद है क्या ये चीजें? मैग्नीफाइंग पावर जब पढ़ाया होगा उस लेक्चर में, क्या मैंने टर्म्स बीटा और अल्फा यूज किए थे एंगल्स नेकडाई पे 25 सेंटीमीटर से और फिर यहां से मैग्नीफाइंग पावर थीटा। हाँ ठीक है सॉरी, मैंने थीटा और थीटा नॉट यूज किए थे, वो टेलीस्कोप में मैं यूज करूंगा बीटा अल्फा, मैंने थीटा और थीटा नॉट यूज किए थे। तो ये थीटा और थीटा नॉट का रेशियो होता है, मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ थीटा बाई थीटा नॉट, बट इट कम्स आउट टू बी डी अपॉन मोड यू। ये आप चेक करना अपने पुराने लेक्चर्स देखना, और जो ये रिजल्ट है ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी सवाल आए, लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है तो वी बाई यू, एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा है तो नीचे तो यू ही है, उसका मोड ले लो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, लेकिन वी की जगह हमेशा डी लिखना है क्योंकि वो उस थीटा नोट से कंपेयर होगा तो उसमें तो डी ही आता है। तो ये बता दो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, डी कितना होता है? क्या 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 दोबारा बोलो, 6.9। हाँ हाँ ठीक है, डी आपका कितना 25 और यू कितना, यू जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है केवल उसकी डिस्टेंस, तो दैट इज नियरली 7, लगभग 7 के आसपास ये आ रहा है। तो अपने नोट्स में ना ये पार्ट ऐड कर लेना, ये वाला अगर पीछे उन फॉर्मुलों में ये फॉर्मुला ना हो कहीं तो ये ऐड कर लेना। और अब देखो इसमें तो परमानेंटली ऊपर डी आना है, नीचे दोनों में सेम है, नीचे दोनों में सेम है, बस इसमें मोड़ लग जाता है उसमें वो अपने आप कट जाता है। क्यों देखो इसमें क्यों मोड़ लगा है, इसमें डी हम पॉजिटिव रखते हैं जबकि उसमें ऊपर भी नेगेटिव आता है नीचे भी नेगेटिव, तो कट लेता है। तो डिनोमिनेटर लीनियर मैग्निफिकेशन का और एंगुलर मैग्निफिकेशन का सेम है, न्यूमरेटर एंगुलर मैग्निफिकेशन में फिक्स है, लीनियर मैग्निफिकेशन में वेरिएबल है। वी इनफाइनाइट भी हो सकता है, वी बीच का कोई भी हो सकता है, और वी डी भी हो सकता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया होगा, बताओ किस वक्त लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल होते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू बताई होगी ये चीज। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में किस समय, मतलब कौन सी पोजिशन ऐसी हो, इमेज कहां बने कि तब लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल हो, क्या कोई लेक्चर था ऐसा, क्या कोई क्वेश्चन था ऐसा जिसमें ये चीज समझाई गई हो? अच्छा चलो यहां था कि नहीं बताओ एक बार मुझे, इधर सुनो yes. इधर इससे देख लो, बिल्कुल वहां भी था और यहां भी देख लो, ये यू और यू तो सेम है, यहां ऊपर फर्क है और ये कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू इंफिनिटी से डी कुछ भी हो सकती है, इंफिनिटी से डी तक कुछ भी। तो जब वी की वैल्यू डी हो जाएगी, जिस वक्त वी की वैल्यू डी हो जाएगी उस वक्त ये और ये दोनों सेम है कि नहीं बताओ, जिस वक्त वी की वैल्यू डी हो जाए, वी की वैल्यू डी होने का मतलब कि इमेज कहां बनी है, नियर पॉइंट पे, यानी कि ये कौन सा केस है जिस वक्त मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, जिस वक्त आई मसल्स मोस्ट स्ट्रेन है, ये वो वाला केस है। तो आप भाई ये रिजल्ट अब अच्छे से याद कर लो, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है v by u, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है d by mod u, लेकिन अगर v बराबर d हो तो ये दोनों बराबर होंगे, और ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट तो रखा हो कितनी दूर, अभी पिछले सवाल में मैंने करवाया ऑब्जेक्ट तो कितनी दूर रखें, d into f अपॉन d प्लस f,
और तब इमेज कहां बनेगी, डी पे, और उस वक्त लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों के दोनों इक्वल होंगे। बताओ क्या सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड ये रिजल्ट्स आपको समझ आ गए हैं कि नहीं? भाई बोलो यार, बोलो क्या ये रिजल्ट्स क्लियर हो, है ना? अब बड़े अच्छे से रिजल्ट याद कर लो, मैं कई कई बार रिपीट कर रहा हूं। लीनियर मैग्निफिकेशन वी बाई यू, एंगुलर मैग्निफिकेशन डी बाई यू, और डी पॉजिटिव है तो यू का मोड लेना है। डी में डी कॉन्स्टेंट है जबकि उसमें वी वेरिएबल है, तो अगर वी बराबर डी हो, यानी कि जब ऑब्जेक्ट डी इंटू एफ अपॉन डी प्लस एफ दूर रखा हो, मतलब इमेज बने 25 सेंटीमीटर पे, उस वक्त जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वही एंगुलर मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ सवाल लिए थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो आज की क्लास एक तरह से एक रिविजन क्लास है ऑन माइक्रोस्कोप, इन क्वेश्चंस के थ्रू आप कुछ चीजें रिवाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ चीजें। अब अगला सवाल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। अभी ये चीजें है ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक्चुअली ये आगे के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सी चीजें आगे इनसे रिलेटेड पूछी जाती हैं। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर और आईपीस की है 5 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया 12.2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन है 12.2 सेंटीमीटर। इस तरह से पहला सवाल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑब्जेक्टिव है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन लिखते हो ना आप साथ साथ, अरे अपनी कॉपी में नोट करते हो ना इन न्यूमेरिकल्स जो भी हो रहे हैं। यस, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड कि भाई ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर किसी ऑब्जेक्ट को रखें ताकि क्या हो, टू फोकस इट प्रॉपरली सो दैट, अब ये कंडीशन देगा कि भाई कहां क्या होना है, सो दैट द फाइनल इमेज इज फाउंड एट, फाइनल इमेज मतलब जो आंख के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट एन, एन का मतलब नियर पॉइंट, डी डिस्टेंस दूर 25 सेंटीमीटर दूर। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एक सवाल दिया कि कितनी दूर ऑब्जेक्टिव से एक ऑब्जेक्ट को रखें ताकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो, ताकि फाइनल इमेज जो बने आपके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी वो 25 सेंटीमीटर दूर हो, ये इस बात का आपको जवाब देना है। सोचो एक मिनट कैसे करना है, ऐसे भी इस तरह के भी क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में करवाए गए हैं। शुरुआत आईपीस से करें कि शुरुआत ऑब्जेक्टिव से करें, शुरुआत आईपीस से करें कि शुरुआत ऑब्जेक्टिव से करें, आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता लेकिन आपको यह पता है कि जो फाइनली जो इमेज बनी है इस आंख के लिए हमें यह पता है कि फाइनली जो इमेज बनी है इस आंख के लिए वो कहां बनी है, मतलब इसने इमेज कहां बनवाई वो पता है, तो आपको आईपीस के द्वारा बनाई गई इमेज का पता है, तो आप पहले उसके लिए यू निकाल लो।
स्टेप आ रहे हैं समझ में, कैसे लेंस का ही तो क्वेश्चन है, रिफ्रेक्शन का क्वेश्चन और कुछ नहीं है रिफ्रेक्शन का। तो आप शुरुआत करो फॉर ऑब्जेक्टिव, सॉरी फॉर आईपीस सॉल्यूशन में, सबसे पहले आईपीस के लिए लेंस इक्वेशन लगाएंगे। आईपीस के लिए मुझे यू नहीं पता, मैं निकालूंगा कि यू कितना आया, क्योंकि आईपीस के लिए जो यू होगा, आईपीस के लिए जहां ऑब्जेक्ट होगा वो बनाई गई होगी इमेज, किसने, ऑब्जेक्टिव ने बनवाई होगी, फिर मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ चलूं। सवाल में मुझे ये बताना है कि ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर लेंस रखा जाए, तो मैं एक बार आईपीस पे फोकस करूं। आईपीस का यू मुझे पता नहीं है, आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, वी कितना है आईपीस के लिए बताओ, जो सवाल की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वी कितना, ना 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 यार देखो ऐसे गलती होंगी तो बार बार गलती होंगी। विद साइन बोलो, विद साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, -25, क्योंकि यहां यहां इधर बनी है 25 पे, तो इसका मतलब आईपीएस ने जो इमेज बनवाई जो आपके लिए ऑब्जेक्ट करेगा काम करेगी वो -25 पे। तो भाई जस्ट लेंस की तरह देखो, रिफ्रेक्शन की तरह देखो, माइक्रोस्कोप आ जाए, टेलीस्कोप आ जाए, कुछ आ जाए, इस तरह बढ़ो। अब देखो शुरुआत कर लिया आपने, तो पहले यहां से यू निकालो भाई, आप लगाओ लेंस फॉर्मूला और बताओ मुझे कि यू कितना आ रहा है, 1/v - 1/u = 1/f करके, नेगेटिव आना चाहिए यू यहां से, मैं आंसर लिखता हूं आप एक बार सोल्व कीजिए, नियरली आएगा, नियरली 4.1 समथिंग आएगा, वो नियरली 2 के आसपास जाएगा, क्योंकि इससे फिर समझने में आसानी होगी। एक बार लगाओ लेंस फॉर्मूला, क्या ये आ रहा है, यस सर आ रहा है, 4.15 से ज्यादा ही जा रहा है, 1617 के आसपास है ना, ठीक है। इसका मतलब आईपीस के लिए जो इमेज बनी वो है कहां, आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई थी, वो आईपीस से कितना पहले है, 4.2। ये मैंने नीचे क्यों बनाई कि आपको पिछले लेक्चर से याद है इसमें डायग्राम कैसा बनता था, इधर कहीं ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट होता था, उससे पहली बार में बनती थी एक इन्वर्टेड इमेज नीचे, अब उससे नीचे ही इमेज बनेगी, वो 25 सेंटीमीटर पे बनेगी जाके, वो जो इसमें केस है, और इसीलिए ओवरऑल मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाता है ना, पढ़ रखा नहीं हमने, तो रे डायग्राम है वो शायद दिमाग में होंगे आपको इसके, ठीक है। अब इस पे आप आओ, अब आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, आईपीस तो हो गया, अब मैं चलता हूं फॉर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस बतानी थी, और इस डिस्टेंस को अगर मैं यूओ लिखूं तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -UO, 0, डिस्टेंस को अगर मैं यूओ लिखूं तो कोऑर्डिनेट हो गया ये। एक तो ये बताओ इसने इमेज कितनी दूर बनवाई है, इसने जो इमेज बनवाई है कितनी दूर बनवाई है, तभी तो इसके लिए लेंस इक्वेशन लगेगी, 8 हाँ, 12.2 में से नियरली 4.2 घटाया तो ये 8 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्टिव के लिए बोलिए यू कितना, -UO, -U0, ये ऐसे लिखने का फायदा ये है कि अब यू नॉट डिस्टेंस आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वी कितना, 4 पॉइंट कहां से आ गया, वी 8, इससे कितनी दूर इमेज बनी है, तो बताओ ना ये इस सवाल में क्या लेंस का सिंपल क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बस उधर से स्टार्ट करके वापिस आना है, समझ रहे हो ना आप, लेंस इक्वेशन का ही सवाल बन रहा है। और एफ ये रहा 1 सेंटीमीटर, लगाओ जी लेंस इक्वेशन और उससे यूओ निकाल लो, यूओ पॉजिटिव आएगा अगर आपने यू की वैल्यू -UO रखी है, तो आप अगर यूओ ना रखना चाहो तो खाली यू निकाल लो, वो नेगेटिव आएगा, बात एक ही है, देखो मैं आंसर लिखता हूं लेकिन आप कैलकुलेट कीजिए, ये जो डिस्टेंस है कि कितना पहले रखना है वो लगभग ही आएगा, लगभग 8/7 के आसपास आएगा, देखो आप, यस सर। तो अगर कोई बच्चा खाली यू निकालता तो -1.1 आता, मतलब इतना पहले, तो हमें तो डिस्टेंस बतानी थी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने वो यू अलग से ले ली। तो आपको
ये टाइप समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोप में जब भी ये पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखे ताकि इमेज यहां बने, तो आप आईपीस से स्टार्ट करो और उल्टे आते जाओ, ठीक है। अब थोड़ा मैं एक पार्ट और देता हूं ताकि एक और चीज का रिविजन हो। माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा, माइक्रोस्कोप मीन्स सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा क्या कि मैग्निफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, dyf से लेके 1 प्लस dyf, ये हमने पढ़ लिया। लीनियर मैग्निफिकेशन एक सेकेंडरी चीज है उसमें, और वो v बाई यू से निकलती है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने देख लिया। जब आपको पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया जाए, जैसे ये है, मान लो इसमें एक और पार्ट में पूछ लो आपसे, सेकेंड पार्ट कि कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दिस केस, ये सेकेंड पार्ट है, कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो आप यूं बताओ, आपको पढ़ाया गया होगा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में तो हम सीधा निकालते हैं डी वाई एफ या 1 प्लस डी वाई एफ या उसके बीच का, या डी वाई यू जो हमने देखा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या आपको ध्यान है कि हम कैसे निकालते थे? पहले लेंस का तो ले लो, मीन्स ऑब्जेक्टिव का तो ले लो लीनियर मैग्निफिकेशन, और आईपीस का ले लो एंगुलर मैग्निफिकेशन, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज द नेट एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताएं क्या ये चीज याद आ रही है क्या ऐसा कोई फॉर्मूला? हाँ भाई, अरे नहीं आ रहा तो भी बताओ, कोई बात नहीं। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है कि टोटल मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस? क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? था ना, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूं आपके ध्यान आ रहा है और मैंने वहां बताया क्या, बिल्कुल था ना ये फॉर्मूला किसी लेक्चर में पीछे, ठीक है। तो अब उससे निकालते हैं। तो भाई उससे बताओ कैसे निकालें इसका, ये जो मैंने लिखा है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो अब अगर मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन टोटल की बात करूं तो दैट इज लीनियर तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंटू एंगुलर, और एंगुलर आप ले लेंगे आईपीस का, ये आएगा टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस। ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना है बताओ, कैसे निकालें ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या फॉर्मूला होता है? अरे v बाई यू। तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये तो सिंपली होगा v बाई यू। इसके लिए v कितना है, इसके लिए ये लिखा हुआ है, दिख भी रहा, इसके लिए v कितना है 8, और इसके लिए u हमने निकाला अभी लास्ट में 1.1 माइनस 1.1। तो ये जो टर्म यहां आएगी ये तो आएगी 8 अपॉन माइनस 1.1 इंटू। आया क्या समझ, क्या था ये कि लीनियर मैग्निफिकेशन तो निकाल लिया ऑब्जेक्टिव का, इंटू एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको किसका निकालना है, आईपीस का। आईपीस के लिए देखो एक बार, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है आईपीस, ये कौन सा केस है, डी बाई एफ पी है या 1 प्लस डी बाई एफ पी है, या और कोई हो तो डी बाई यू कर देंगे हम, और कोई हो तो डी बाई यू कर देंगे, उसके लिए जो पढ़ा था हमने। फाइनल इमेज कहां बनी है, फाइनल इमेज कहां बनी है, नियर पॉइंट पे। फाइनल इमेज आपकी बनी है नियर पॉइंट पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। फाइनल इमेज आपकी नियर पॉइंट पे बनी है, तो ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा दिस विल बी 1 प्लस डी बाई एफ ई, और एफ ई आपका है 5, 1 प्लस डी बाई एफ ई ये आपको लगाना था, और एफ ई आपका 5 है, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो 1 प्लस 5 यानी कि 6 तो वो हो गया और कुछ ही इधर वाला आया। ओवरऑल इसका जो आंसर है दैट इज नियरली माइनस 44, ये जो इसका आंसर होगा दैट इज नियरली माइनस 44। तो हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं, हम बस यही सीखते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं खास बातें। इस क्लास का
आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी या कुछ डिस्टर्बेंस होगी? हाँ भाई, आपका हमारा संपर्क बरकरार है या नहीं? सुन रही है ठीक ठाक? आखिरी सवाल लेते हैं माइक्रोस्कोप पे, इस क्लास का आखिरी सवाल। वैसे तो चलता रहेगा क्या है आगे तक भी। आपको यूं दिया गया है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की फोकल लेंथ दे दी। फिर से जो एक लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हम ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो आगे वाला लेंस है पहले वाला, इसकी फोकल लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर और आईपीस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर। यह हमें दिया गया है इस सवाल में। और इन दोनों लेंसेज के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज 7 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंसेज के बीच में 7 सेंटीमीटर की सेपरेशन है, यह हमें दिया गया है। अब पूछा यह है कि वेयर शुड, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, वेयर शुड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एक छोटा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा जाए। अच्छा कहां से, ये जब भी बताना हो या इससे पहले लेंस से बताया करो ऑब्जेक्टिव से, कि ऑब्जेक्टिव से एक छोटा लेंस कितनी दूर रखा जाए सो दैट द आई इज लीस्ट स्ट्रेन्ड टू सी द इमेज। ये मेरा पहला पार्ट, ये हमारा पहला सवाल कि भाई कितनी दूर हम इसको रखें ताकि ये लीस्ट स्ट्रेन पेज दे दिया। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज कर दिया हमने क्वेश्चन को। भाई लीस्ट स्ट्रेन का क्या मतलब है? जो फाइनल इमेज, हाँ बिल्कुल, जो फाइनल इमेज आईपीएस ने बनवाई इस आंख के लिए वो आपकी इंफिनिटी पे बनेगी। इस आंख के लिए जो फाइनल इमेज बनवाई वो आपकी इंफिनिटी पे बनेगी। तो अगर इंफिनिटी पे बनी तो हमें पता ही ऑब्जेक्ट कहां है, कोई लेंस इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं। तो बताओ उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां होगा? शुरुआत वैसी होगी, उधर से चलो फिर बीच की दूरी घटाओ फिर इस पे और फिर आंसर आएगा। शुरुआत तो वैसे ही करनी हमें। तो बताओ इस बार वहां से कितनी दूर ये ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो इसने इमेज बनवाई होगी जो उसका ऑब्जेक्ट होगा कहां होगा? अरे उसका फर्स्ट फोकस कितना पहले है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? हाँ तो ये दिमाग में आना चाहिए ना कि इसका मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसके लिए वो 5 सेंटीमीटर दूर है। जब भी बोल दिया कि लीस्ट स्ट्रेन्ड आई है तो मतलब इसकी इमेज फाइनली इंफिनिटी पे बनी होगी, इंफिनिटी पे जाके, तो यानी कि ऑब्जेक्ट इसके लिए आया इसके सेंटर पे। तो एक इक्वेशन लगाने का तो काम ही खत्म हो गया, डायरेक्ट बात बन गई, इक्वेशन लगानी नहीं पड़ी। तो यूं बताओ इसने इमेज कितनी दूर बनवाई फिर? इसने, ऑब्जेक्टिव ने कितनी दूर इमेज बनवाई होगी कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे गई? डायग्राम देख के पता लग रहा है आंसर? पिछले सवाल में 12.2 में से 4.2 घटाया था, इसमें बताओ क्या हो रहा है? 7-5। हाँ 7 ये पूरा है, ये 5 है, यानी कि ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां इमेज बनी है। तो अब एक बार इसके लिए लेंस इक्वेशन लगा दे वो तो काम ही हट गया, डायरेक्ट हमें पता लग गया फोकस से। इसके लिए देखो यू हमें पता लगाना है, दैट इज -UO कितना पीछे। एफ दे रखा है 0.5 और वी कितना है इसके लिए, इसने जो इमेज बनवाई आगे बनवाई है 2 सेंटीमीटर पे। लगाओ जी लेंस इक्वेशन और यूओ निकालो, यूओ पॉजिटिव आएगा क्योंकि यू हमने -UO रखी है। लगाओ इसमें लेंस इक्वेशन और यू ओ की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। आप निकालिए यार, मैं लिखता हूं आपके लिए, ये आना चाहिए यूओ प्लस का 2/3,
या यू कहे कि u निकालो तो माइनस टू बाई थ्री आएगा, आ गया ठीक है। और दूसरा सवाल भाई आगे आ जाएगा, आप अगर लेंथ इक्वेशन लगाओगे ढंग से तो आ जाएगा। दूसरा सवाल फिर वही, आप बताओ पिछले क्वेश्चन में मैंने ये पोजीशन वगैरह निकलवा के फिर क्या पूछा था आपसे, क्या पूछा था बताओ यार। फाइंड द, हमने ये एंगुलर मैग्निफिकेशन, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ने कितना एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया होगा, क्या क्या फॉर्मूला लगाएं टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन का, पहले लेंस का तो क्या लेना होगा, लीनियर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे निकालें, कैसे निकालते हैं, v by u, v बोलो ऑब्जेक्टिव के लिए, v कितना ऑब्जेक्टिव के लिए, ये दिख रहा है यहां 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और u कितना अभी आया था ये रहा 2/3 माइनस 2/3 विद साइन रख देते हैं तो माइनस 2/3 3 ऊपर गया तो माइनस 3 आया। ये बताओ यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां तो देखो तीन बातें हैं, या तो dyfe या 1 प्लस dyfe और कोई बीच का केस हो तो dyuo, शायद मुझे लगता है याद हो चुकी होंगी ये तीन बातें, कई बार मैं रिपीट कर चुका, या तो dyfe या 1 प्लस dyfe या इस तरह से, बताओ जल्दी बोलो, हमारा कैमरा ऑफ होने वाला है, हाँ मेरा कैमरा ऑफ होने वाला है ड्यू टू ओवर हीटिंग। डीवाई यू नॉट की जरूरत क्या है, डीवाई यू नॉट की जरूरत क्या है, ये वो एक्सट्रीम केस नहीं है, ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग बोल रहा हूँ, ओवर हीटिंग इसमें लिखा रहा है बीच में, ये वो एक्सट्रीम केस नहीं है जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो डीवाई एफ ई होता है, नियर पॉइंट पे बने तो 1 प्लस डीवाई एफ ई, बताओ समझ आ रहा है। ठीक है तो डी डी आपका है 25 सेंटीमीटर और एफ ई 5 तो ये आ गया 6, तो बताओ ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना निकल गया है, ये 6 कैसे आ गया, 5 गुना 5 इसका मतलब ओवर हीटिंग खाली फोन की नहीं मेरी भी होगी ओवर हीटिंग। हाँ जी तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस 15। तो इस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए ऑन माइक्रोस्कोप, बल्कि मैं कहूं कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, केवल न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स चल रहे थे माइक्रोस्कोप पे जिसपे कुछ फॉर्मुलों का रिवीजन होता चला। अब मैं मान के चलूं कि माइक्रोस्कोप आपको ढंग से समझ में आ चुका है, ठीक है, जो भी हम लेक्चर आपके लिए इंक्लूड करते हैं बीच बीच में आप उनको वही जरूर अटेंड किया करो ढंग से, ठीक है। तो आगे हम कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।